हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेजिन आर्ट्स। तो आज हम बात करेंगे कि आप कॉरल ड्रॉ में राउंड टेक्स्ट लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं राउंड टेक्स्ट लोगो अपने कॉरल ड्रॉ में। कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई भी राउंड टेक्स्ट लोगो या कॉरल ड्रॉ में क्रिएट करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि आप अपने टेक्स्ट को बिना ब्रेक किए हुए राउंड टेक्स्ट लोगो कैसे बना सकते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने कोरल ड्रॉ में अपना एक राउंड टेक्स्ट लोगो क्रिएट किया हुआ है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं इसी तरह का एक और लोगो आपके सामने क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये मैं हिंदी में आपको करके दिखाऊंगा, आप चाहे इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो मैंने यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट अपना जो टाइप करके रखा हुआ है, ये देखिए ये टेक्स्ट है। ये अभी कोई कर्व नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, ये मेरा जो टेक्स्ट है। कई बार आप क्या करते हैं, आप कोई भी कॉरल ड्रॉ में कोई राउंड टेक्स्ट लोगो क्रिएट करते हैं और उसे इस तरह से टेक्स्ट में जाकर, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, कंट्रोल कर प्लस करके मैंने इसको कर लिया ब्रेक। अब जिस तरह से आप इस तरह से सिलेक्ट करके कभी भी टेक्स्ट में जाकर फिश टेक्स्ट टू पाथ करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो बीच में से ब्रेक हो जाता है। मैं आपको ये ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो आपका टेक्स्ट है जो बीच में से ब्रेक हो गया है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आप इस टेक्स्ट को बिना ब्रेक किए हुए इस तरह से, जो मैंने देखिए बना के रखा हुआ है एक लोगो, इस तरह से कोई भी लोगो कैसे बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा टेक्स्ट है, हम इसे कर लेंगे ब्रेक। आप ब्रेक यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए, सॉरी मैं इसे कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट में जाके, ये देखिए ब्रेक। मैं इसे कंट्रोल यहाँ से ब्रेक कर लेता हूँ, आप कंट्रोल के करके भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। अभी ये हमारा टेक्स्ट जो है ब्रेक हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को करेंगे कर्व। कर्व करने के लिए आप यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कन्वर्ट टू कर्व, इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल क्यू। आप कंट्रोल क्यू भी कर सकते हैं, अपने काम को फास्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड का यूज़ करें कंट्रोल क्यू। जैसे कोई भी कमांड है आपकी, आपके सामने ये देखिए यहाँ है कंट्रोल क्यू, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए कंट्रोल क्यू। तो अभी हम इसे कर लेते हैं कर्व, ये हमारा टेक्स्ट जो है कर्व हो चुका है। ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट कर्व हो चुका है। अब मैं इसे कलर दे देता हूँ, यहाँ मेरा रेड है तो हम इसे अभी ब्लू कलर दे देते हैं, इसे मैं देता हूँ ब्लू कलर दे देता हूँ। अभी आपने क्या करना है, ये जो हमारा ज्योति पब्लिक स्कूल जो हमारा लोगो है, अच्छा मैं आपको ये बता दूँ, ये कोई लोगो मैं कोई क्रिएट नहीं कर रहा हूँ किसी का, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक लोगो बना रहा हूँ। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है नीचे वाला, ये हमारा इस तरह से आएगा। तो हमें इस टेक्स्ट को इस तरह से करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर इस पोजीशन, ये देखिए आप देख रहे हैं पोजीशन, इसकी शॉर्टकट है अल्ट प्लस F7। आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ से भी इसको क्लिक कर लेता हूँ, ये आपके सामने इस तरह से ओपन होगा और आपने ये थर्ड वाले पर क्लिक करना है। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ थर्ड वाले पर, आपने यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है, बस आपने यहाँ पर ये दो आप देखेंगे इनको आपने टिक कर देना है, चेक कर देना है। ये देखिए मैंने इसको कर दिया और यहाँ से आपने कर देना है अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका ये जो टेक्स्ट है ये उल्टा हो जाएगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आपने यहाँ पर आना है टूल बार में। टूल बार में आने के बाद आपको यहाँ पर एक टूल नज़र आएगा, ये देखिए आर्टिस्ट मीडिया टूल, ये आप देख सकते हैं ये आर्टिस्ट मीडिया टूल है। मैं कॉरल 17 यूज़ कर रहा हूँ, सभी में आप थोड़ा हो सकता है किसी टूल के साथ हो या अलग हो, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लोगो, ये जो टूल है
आस्टिक मीडिया टूल है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, याद रखें आपका, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये पहले आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको आना है आस्टिक मीडिया टूल पर। ये देखिए, ये हमारा टूल है, ये देखिए आस्टिक मीडिया टूल, इसको सिलेक्ट कर लें। अब आपके सामने इस तरह से कुछ एक फेस ओपन होगा, ये देखिए। तो आपका जो है, जैसे ही आप, अच्छा इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, आई, ये देख लीजिए आप, इसकी शॉर्टकट कमांड आई है, ये देखिए। अगर आपने कीबोर्ड से आप आई प्रेस करेंगे तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपने देखना है आपका यहाँ पर ब्रश है, आप जो ब्रश देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक होना चाहिए, ये आपका चेक होना चाहिए। उसके बाद हम आएंगे, इसको हम यहाँ से सेव करेंगे, ये देखिए सेव आस्टिक मीडिया स्टॉक, ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए इसे हम सेव करेंगे। यहाँ पर इस तरह से कुछ आएगा, स्टार डॉट CMX, तो आपने इसे कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से सिर्फ ओनली स्टार को डिलीट करेंगे। मैं यहाँ से स्टार को डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं इसको अभी नाम दे देता हूँ लाइन वन, मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ से लाइन वन, और मैं इसे अभी कर देता हूँ सेव। ये देखिए ये अब जो है सेव हो गया। इसी तरह से आपने अपने दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ये देखिए सिलेक्ट है। अब हम फिर से इसे सेव करेंगे, अब फिर हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से सिर्फ फर्स्ट अपने जो है वर्ड को यहाँ से डिलीट करना है, स्टार को मैंने डिलीट किया, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम इसको देते हैं लाइन 2 और इसे हम कर देते हैं सेव। उसके बाद मैं अपना सिलेक्ट टूल कर लेता हूँ, ये पिक टूल पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम लेंगे एक सर्कल, ये देखिए ये इस तरह से कंट्रोल के साथ आप करें तो देखिए इस तरह से होगा, आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाए, ऐसे कंट्रोल के साथ। ये आपका आगे एक, मैंने गोल सर्कल ले लिया है, सॉरी अभी मेरे माउस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये मैं ले लेता हूँ एक सर्कल इस तरह से। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा अभी रख लेता हूँ साइड में, ये मैंने एक टेक्स्ट ले लिया है, इस तरह से आप, मैंने यहाँ पर एक गोल सर्कल ले लिया है। वो बाद में हम इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। सॉरी मेरे माउस में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये तो हम इसे डबल कॉपी कर रहा है। ये देखिए अभी आपने क्या करना है, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करनी है। आप अपने कीबोर्ड से प्लस का जो बटन है उसे प्रेस करेंगे तो भी इसकी कॉपी हो जाएगा। मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखिए इसकी कॉपी हो गई है। अब हम इसे करें थोड़ा इसे अंदर की तरफ और शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और नीचे यहाँ से ऐसे छोटा करेंगे और मैं इसे यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ। ये देखिए अब हम इसकी एक और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्लस भी प्रेस कर सकते हैं तो भी इसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी। अगर आप चाहें इसी तरह से भी ऐसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखें और अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो भी इसकी एक कॉपी हमें डुप्लीकेट मिलेगी। देखिए ये एक बहुत शॉर्टकट कमांड है किसी भी चीज़ को कॉपी करने की या कुछ भी, जैसे कि टैक्स है, मैं इसको अलग से कॉपी करना चाहता हूँ तो मुझे Ctrl+C फिर Ctrl+B करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा इसको क्या करूँ, मैं यहाँ से इसको और यहाँ पर लाके राइट क्लिक कर दूँगा तो ये अपने आप इसकी एक कॉपी हमें डुप्लीकेट करके देगा। अभी हम इसने जो हमारा टेक्स्ट है वो इस पर आएगा, जो आप जो बीच वाला सर्कल देख रहे हैं इस पर हमारा जो टेक्स्ट है वो आएगा इस तरह से। तो अभी आपने क्या करना, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपके सामने ये देख रहे हैं आप इस तरह से होगा, ये देखिए आर्क, यहाँ से आर्क है तो मैं इस पर आर्क पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो सर्कल है इससे कट हो जाएगा। कट होने के बाद आपने क्या करना है, हम यहाँ से लेंगे शेप टूल लेंगे, F10 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो भी ये सिलेक्ट हो जाना है। मैं यहाँ से अभी शेप टूल लेता हूँ और आपने इसको यहाँ से पकड़ कर शिफ्ट प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और इस तरह से लाएं। आप इसको अंदर की तरफ ना लाएं, आप अंदर की तरफ आएँ तो इसको ये मर्ज कर देगा, ये देखिए। तो मैं इसको यहाँ से लेके बाहर की तरफ जाऊँगा और इस तरह से यहाँ ला के मैं इसे छोड़ देता हूँ। टूल लेंगे, मैं गाइडलाइन ले लेता हूँ, मैं यहाँ गाइडलाइन लगा देता हूँ
मैंने गाइडलाइन लगा देनी है, एक दूसरी लगा देता हूँ ये, फिर मैं अपने माउस से राइट क्लिक करूँगा तो इसकी कॉपी हो गई। देखिए अब हम इसको इसके साथ में हमारी लाइन बराबर है यानी, हम देखिए आप इस तरह से ना लाएँ ये मर्ज कर देगा इसको, आप इसको बाहर की तरफ रखें इस तरह से, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ना लाएँ, बाहर की तरफ लाएँ ऐसे। इसी तरह से मैं इसको ले लेता हूँ, अब हमारा ये लाइन बराबर है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अभी हमारी लाइन बराबर नहीं है। फिर मैं यहाँ से सेव टूल लूँगा, मेरे माउस में आज प्रॉब्लम है, शायद ये ख़राब हो गया है, सॉरी। ये देखिए अभी हमारी लाइन है जो बराबर है, देख सकते हैं आप। अच्छा अब मैं इसकी एक कॉपी करके रख लेता हूँ, ये देखिए मैंने इसकी कॉपी कर ली, वही मैंने माउस से राइट क्लिक किया इसकी कॉपी हो गई। आप चाहें तो यहाँ पे इसको प्लस प्रेस करेंगे तो भी इसकी कॉपी हो जाएगी, मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ये देखिए वर्टिकली कर लेना है, मैं इसको वर्टिकली कर लेता हूँ। अभी हम इसको भी यहाँ लाएंगे और यहाँ से हम जो जो हमारा जो बाहर वाली लाइन है ये देख रहे हैं आप सर्कल, हम इसके साथ इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे और आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है सी, जैसे आप सी करेंगे तो इसके सेंटर में आएगा, ये देखिए सी। मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगा, अब हमें इसको यहाँ नीचे वाली लाइन से रखना है, इसको भी इसी तरह से मैं यहाँ लेकर आऊँगा। ये देखिए जो हमारी ये नीचे वाली लाइन है जो आप देख रहे हैं, जो स्कूल का एड्रेस है वो हमारी यहाँ नीचे वाली लाइन पर आएगा और जो स्कूल का नाम है वो ऊपर वाली लाइन पर, ठीक है। अब मैं बाहर वाली लाइन है जो, अब आपने ये ऊपर वाली लाइन है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऊपर वाली लाइन को, और हमें फिर से वहाँ जाना है, ये देखिए हास्टिंग मीडिया टूल पर जाएंगे हम, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब आपने ये देख रहे हैं कस्टम, यहाँ से आस्टिक है या कुछ भी हो आपने यहाँ पर कस्टम पर सिलेक्ट रखना है। अब मैं यहाँ से अपना जो हमारा जो हमने जो सेव किया था अपना जो टेक्स्ट हमने सेव किया था वो हमें यहाँ पर शो करेगा, ये देखिए। अगर आपका यहाँ पर टेक्स्ट शो नहीं कर रहा हो तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ जाना है, यहाँ से कोई भी पहले सिलेक्ट कर लें, मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर अपना कस्टम पर सिलेक्ट करें और अब यहाँ पर आएँ। ये देखिए जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ गया, अब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए जैसे देख सकते हैं आप हमारा उसने बिना हमारे टेक्स्ट को ब्रेक किए हुए बिल्कुल लोगों की जगह पर अपने देखो किस तरह से सेट कर दिया है। अभी हमने इसका साइज़ अगर आपको छोटा करना है तो आपने यहाँ से कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है, तो ये देखिए मैं यहाँ से इसको छोटा बड़ा आप आराम से कर सकते हैं, ये देखिए मैं यहाँ से इसको दोबारा कर देता 0.1 करता हूँ। अब मैं इसको आराम से छोटा करूँगा, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये आप देख रहे हैं, देखिए इस तरह से। वही अब आपने नीचे करना है, नीचे वाले अपनी लाइन को सिलेक्ट करेंगे, हास्टिंग मीडिया टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम ये अपना ये देखिए एड्रेस है जो हमारे स्कूल का, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये देखिए मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट। ये देखिए हमारा जो नीचे का जो हमारा एड्रेस है वो देखिए किस तरह से हमारा बिल्कुल सेट हुआ है। अभी आपने इसको छोटा करना है या बड़ा जैसे भी इसको साइज़ करना है तो हम इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे, ये अपने आप अब हमें आर्सी मीडिया टूल पर सिलेक्ट कर लेगा, अब हम इसे यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको फिर वैसे ही सेट करूँगा, पॉइंट पहले बंद करता हूँ, देखिए इस तरह से आप अपने टेक्स्ट आपका छोटा बड़ा कर सकते हैं।
अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा जो मेरा टेक्स्ट है थोड़ा यहाँ से थोड़ा ऊपर की साइड हो जाए और मैं इसे और छोटा करना है, तो आप मैं यहाँ से इसको मैं फिर शेप टूल लूँगा। शेप टूल पर जाने के यहाँ से क्लिक करें वैसे ही जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था, हम इसको वैसे ही करेंगे। ये देखिए बाहर की तरफ, ये देखिए इस तरह से आप इसमें लोग छोटा कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ, ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है बिना टूटे बिना ब्रेक किए हुए देखिए हमारे सामने। कितनी आसानी से आप अपना जो है राउंड टेक्स्ट लोगों अपने कोरल ड्रा में क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ है, बिल्कुल आसानी से। मैं इसको कलर देता हूँ, यहाँ मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ। अभी हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप प्लस करेंगे। मैं इसको अभी यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं माउस पे लाकर राइट क्लिक करूँगा तो इसकी कॉपी करेगा। मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसकी एक कॉपी करते हैं और मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर। सॉरी इसकी डबल कॉपी हो गई, मेरा माउस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, वो जब आप वर्क करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ और अब मैं इनको ये जो आप देख रहे हैं दो स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको यहाँ ला के बीच में रख देता हूँ। ये जो मेरा जो मैंने भी लोगो क्रिएट किया है, जो मैंने पहले लोगो क्रिएट किया था, ये लोगो उससे काफ़ी बड़ा है, ये रख देता हूँ। अब मैं इसको आउटलाइन दूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके जो हमारी अंदर की लाइन है उसको भी सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा F12, आप चाहे तो यहाँ से भी दे सकते हैं, मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा F12। ये देखिए अब हम यहाँ से आउटलाइन पेन आपके सामने ओपन होगा, मैं यहाँ से इसको आउटलाइन दे देता हूँ। मैं रखता हूँ यहाँ पे 2 और आप यहाँ पे बीच वाले पे ये देखिए राउंड कॉर्नर पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप बिहाइंड फील स्केल विद ऑब्जेक्ट पे दोनों पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है ओके। ये हमारी आउटलाइन देखिए, मैं इसको थोड़ा और मोटा कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम, कर देते हैं इसको 3, मैं करता हूँ ओके। ये देखिए अब आप इसको यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ कलर, ये मैंने इसको दिया रेड कलर और जो हमारा नाम है स्कूल का हम उसे भी दे देते हैं कलर यहाँ से। सॉरी मैंने इसको आउटलाइन दे दी, आउटलाइन आउटलाइन देने के लिए आपने आउटलाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ से माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आपके आउटलाइन पर कलर फील हो जो होगा सिलेक्ट होगा। मैं टेक्स्ट को देता हूँ और यहाँ से मेरा टेक्स्ट को कलर देता हूँ, ये देखिए। अब आप इसे चाहे छोटा कर सकते हैं, जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं और अपना जो भी आपका वर्क है इसी तरह से आप कोई भी अपना हिंदी टेक्स्ट लोगो जो है जो गोल आकार में है राउंड टेक्स्ट लोगो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से आप देख रहे हैं कोई भी टेक्स्ट मेरा जो है ब्रेक नहीं हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इतनी आसानी से हमने एक लोगो क्रिएट किया बिना अपने टेक्स्ट को ब्रेक किए हुए। हाँ बीच में थोड़ी परेशानी जरूरी है, मेरे माउस में थोड़ी प्रॉब्लम है तो सॉरी। देखिए आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, आप ज़रूर इसे कर पाएंगे एक बार नहीं तो बार बार करके ज़रूर देखें। ये देखिए आप इतनी आसानी से आप कोई भी लोगो जो भी राउंड आपको क्रिएट करना है बनाना है उसे आराम आराम से आप बना सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।